अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वंश, मिशन के लिए तैयार हो? देख नहीं रहे, हथियारों से भरा संदूक तैयार है और मैं भी। लेकिन मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए, कहाँ है वो? बॉस नहीं आएगा, उनको तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। बॉस? कौन बॉस? तो मेरा प्लान भी पूरा नहीं होगा। जब तुम मेरी शर्त नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? माफ करना डॉक्टर, हमारे बॉस को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। तो इंतजार किस बात का है? काट तो गला। और मैं ऐसे डरता ना तो ये काम कभी नहीं करता मैं। तुम्हारे बॉस आएंगे तभी ये काम होगा, वरना मरना मंजूर है मुझे। लो तुम ही बात कर लो बॉस से, शायद तुम्हारी बात मान जाए। इंस्पेक्टर संजीवनी आ गई है। मैं लेकर आता हूं उसे। यहां तो कोई नहीं है। सारे कमरे भी लॉक हैं। आखिर विधि कहाँ जा सकती है? वाह वंश, ये हुई ना बात। अब उठाओ बंदूक और इसका खेल खत्म कर दो। और हम इसकी लाश इस संदूक में गैर कानूनी हथियारों के साथ दफन कर देंगे। लोगों को लगेगा कि इंस्पेक्टर गैर कानूनी हथियारों की तस्करी में मारी गई बेचारे। देख क्या रहे हो, मारो इसे। ट्रिगर मैं तभी दबाऊंगा जब तुम्हारा बॉस यहां आएगा। कहां है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे। बॉस आता ही होगा, तुम गोली मारो। तुम इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मारो इसे। इसी की वजह से हमारा सारा काम बर्बाद हुआ है। मारो इसे, गोली मारो। पहले बॉस फिर काम। नहीं, मुझे संजू मैम को बचाना होगा। बॉस को वक्त बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मारो इसे गोली। तो फिर तुम्हारे बॉस को टाइम पे आना चाहिए था ना। बॉस आ गए। चलो जल्दी से अपना काम खत्म करो।
ये यहाँ कैसे आ गई? किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं बंदूक चलाऊंगी। ये लड़की उस संदूक में क्या कर रही है? रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। बेवकूफ लड़की, क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अरे कितने घटिया इंसान हो तुम, अभी कानून के रखवालों के खून से अपने हाथ रंगने वाले थे। अरे मैं इन्हें मारने वाला नहीं था, मैंने इस गैंग से हाथ सिर्फ इसलिए मिलाया ताकि बॉम्ब ब्लास्ट के असली गुनहगारों का पर्दाफाश कर सकूं। मेरी पत्नी बेकसूर थी, उस पर गलत इल्जाम लगाया गया था। आज मुझे मौका मिला था सबके सामने सच लाने का, लेकिन तुमने 5 साल, पिछले 5 साल से मैं इस गैंग का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए एक लापरवाह बाप, एक बुरा पति, एक निकम्मा इंसान इसलिए बना ताकि मुझे एक मौका मिल सके, मेरी पत्नी की खोई हुई इज्जत वापस लाने का, मेरी पत्नी को इंसाफ दिलाने का। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, ज्यादा दूर नहीं गया, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। वंश, वंश। संजू मैम, आप ठीक तो है ना? उस वंश को मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी जान लेने की कोशिश की उसने। नहीं मैम, हमने वंश को समझने में गलती कर दी, वो तो सिर्फ उन बदमाशों का भरोसा जीतकर, उनके करीब जाकर असली गुनहगार को पकड़वा कर मुझ पर लगे टेररिस्ट का दाग मिटाना चाहते थे। संजू मैम, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई उन्हें बता दूं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर गलत होता है। चलो मान लिया कि वंश बेगुनाह है, ये सब उसका प्लान था, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वंश के पास है। भाग गए सारे के सारे, उसके गैंग मेंबर का फोन आया था, कह रहा था वो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकता।